हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के इन्फो एजुकेयर। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करना सीखेंगे। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पांच क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी पांचों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में प्रूफ करना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 cos² θ इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे LHS दिया हुआ है, 1 cos² θ इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 cos² θ इज इक्वल टू sin² θ होता है, ये फार्मूला है। अगर ये फार्मूला आप नहीं जानते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने सारे फार्मूला को बता रखा है, उसे आप देख सकते हैं। अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब ये साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है, 1 cosec² θ इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से बच जाएगा 1 = RHS। ये प्रूव्ड हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 cot² θ इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। LHS इज इक्वल टू 1 cot² θ इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 1 cot² θ इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 sin² θ इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 1 RHS प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, sec² θ - 1 cot² θ इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो LHS इज इक्वल टू sec² θ - 1 cot² θ। sec² θ - 1 का वैल्यू होता है tan² θ और ये इंटू cot² θ। अब tan² θ को हम लिख सकते हैं 1 cot² θ इंटू cot² θ। cot² θ से cot² θ कैंसिल इज इक्वल टू 1, क्योंकि RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, sec² θ - 1 cosec² θ - 1 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। LHS इज इक्वल टू sec² θ - 1 cosec² θ - 1। अब ये sec² θ - 1 इज इक्वल टू होता है tan² θ। अब ये cosec² θ - 1 का वैल्यू होता है cot² θ। अब ये tan² θ को लिख सकते हैं 1 cot² θ इंटू cot² θ, कैंसिल हो जाएगा 1 = RHS प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 1 cos² θ - sec² θ इज इक्वल टू tan² θ प्रूफ करना है। तो LHS इज इक्वल टू 1 cos² θ इंटू sec² θ।
वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये फिर सेक स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन बाई इसका रिवर्स होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, जो आरएचएस यहाँ पे प्रूव करना था। आरएचएस प्रूफ्ड।